वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास टुडे वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन साइडेड एरर इन विच वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस सो हेयर इज द क्वेश्चन रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस सो ये हमें एरर्स दी गई हैं जो डिटेक्ट हुई हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले तो वट आर दोज एरर्स लेट लेटर सी फर्स्ट इज द टोटल ऑफ सेल्स बुक रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑमिटेड टू बी पोस्टेड सो जो सेल्स बुक है उसका टोटल है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब उसकी हम क्या करना भूल गए हैं पोस्टिंग करना भूल गए हैं ऑमिटेड टू बी पोस्टेड तो पोस्टिंग करना भूल गए तो अब हम कर देंगे अब सेल्स बुक होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है सेल्स बुक का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है ठीक है तो हम क्रेडिट साइड क्या करेंगे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हमने पोस्टिंग नहीं की थी तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हम क्राइट साइड लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ दिस क्योंकि हम इसको करना भूल गए थे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग सो नाउ दिस एरर इज रेक्टिफाइड ओके नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड रुपीज एट थाउजेंड लेस ऑन पेज ट्वेंटी एंड रुपीज थर्टी थाउजेंड मोर ऑन पेज ट्वेंटी टू अब जब हम सेल्स बुक है उसका हम टोटल क्या करते कैरी फॉरवर्ड करते जब कई पेजेस पर हमारी सेल्स बुक बन रही है तो हम हर पेज पर क्या करते टोटल करते हैं उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते ठीक है तो जब हमने पेज नंबर ट्वेंटी का टोटल किया तो एट थाउजेंड टोटल कम हो गया ठीक है और जब पेज नंबर ट्वेंटी टू है उसका थर्टीन थाउजेंड ज़्यादा हो गया ठीक है तो एट थाउजेंड कम लगा एक बार और थर्टीन थाउजेंड ज्यादा हुआ तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा एट थाउजेंड कम और थर्टीन थाउजेंड ज्यादा तो थर्टीन माइनस एट फाइव थाउजेंड नेट हमारा क्या हुआ है टोटल ज्यादा हमने शो कर दिया सेल्स बुक का यही मतलब है इसका तो फाइव थाउजेंड क्या हो गया है ओवरकास्ट हो गया सेल्स बुक कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली सो हम इसको कैसे करेंगे अब फाइव थाउजेंड क्या हो गया है क्योंकि तो ओवरकास्ट हो गया है और सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओवरकास्ट हो गया है तो जब मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं है। अब हम इसे क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे sales account का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्या कर देंगे अब डेबिट कर देंगे ठीक है तो हमने सेल्स अकाउंट बनाया ठीक है अब इसमें हम डेबिट साइड How much amount we will show? We will show 5,000. You can net effect error 5,000 overcasting. And what we will write? To overcasting of sales book. Now, our error is rectified. Next, a credit sales to C rupees 12,000 omitted to be posted. अब सी को हमने क्राइट सेल की थी ट्वेल्व थाउजेंड की ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट और सी के अकाउंट में हम क्या करना भूल गए पोस्टिंग करना भूल गए इट मीन्स सेल्स बुक में तो एंट्री हो गई है पोस्टिंग कहाँ करनी भूले हम सी के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूले तो हम ये सी का अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है ठीक है अब सी को हमें क्या करना चाहिए था अगर सी के अकाउंट में हम पोस्टिंग करना भूले हैं तो सी के किस साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए थी डेबिट साइड में होनी चाहिए थी क्योंकि जब जनरल एंट्री बनाते हैं हम क्रेडिट सेल की तो क्या बनाते हैं इसकी अगर हम जनरल एंट्री बनाकर देखें तो क्या बनेगी सी डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो सी क्या हुआ डेबिट तो डेबिट साइड इसकी लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए थी नहीं हुई करना भूल गए तो अब कर देते हैं कितना लिखना चाहिए था हमें ट्वेल्व थाउजेंड डेबिट साइड हमने लिख दिया ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है अब हम क्या लिखेंगे क्योंकि हम इसको क्या करना भूल गए हैं टू ओमिशन टू वर्ड यूज करते हैं हम डेबिट में टू ऑमिशन इन पोस्टिंग नाउ दिस एर इज रेक्टिफाइड नेक्स्ट इज अट सेल्स टू डी रूपीज टू थाउजेंड एट हंड्रेड पोस्टेड एज रुपीज एट थाउजेंड टू हंड्रेड अब हमने क्रेइट सेल की थी डी को टू थाउजेंड एट हंड्रेड की लेकिन हमने डी के अकाउंट में क्या पोस्टिंग कर दी एट थाउजेंड टू हंड्रेड मींस ज्यादा पोस्टिंग कर दी ज्यादा अमाउंट से पोस्टिंग कर दी ठीक है मींस सेल्स बुक में तो एंट्री ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है डी के अकाउंट में हुई है तो ये भी वन साइड आ रही है तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि अमाउंट हमने ज्यादा लिख दिया है अब डी के अकाउंट में किस साइड लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए थी डी के अकाउंट में डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए थी ठीक है अब हमने डेबिट साइड में तो लिख दिया बट हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया अब ज़्यादा को कम कैसे करेंगे हम टू थाउजेंड एट हंड्रेड लिखना चाहिए था एट थाउजेंड टू हंड्रेड लिख दिया कितना ज़्यादा लिख दिया हमने एट थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड एट हंड्रेड डिफरेंस कैलकुलेट करो सबसे पहले डिफरेंस आया फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ तो मट मीन्स हमने फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ डेबिट में ज़्यादा लिख दिए तो डेबिट में ज़्यादा लिख दिए इसे कम कैसे करेंगे अब हम रिवर्स करके करेंगे ठीक है रिवर्स करने का मतलब है कि डी के डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी तो हम डेब कराइट कर देंगे रिवर्स का मतलब तो अपोजिट साइड हो गया ठीक है क्योंकि जैसे हमने पहले भी किया है कि जब भी हम अमाउंट ज्यादा लिख देते हैं तो उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं उसको रिवर्स करके करेक्ट करते हैं ठीक है तो डी के डेबिट में पोस्टिंग हुई है और रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई ज्यादा पोस्टिंग हो गई ज्यादा अमाउंट से तो उसको ठीक कैसे करेंगे उसको अपोजिट साइड एंट्री करके क्रेडिट साइड एंट्री करके अब हम क्रेडिट साइड में व्हाट वील फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड था टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव थाब इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया अब हम क्या लिखेंगे यहां पर बाय बाय वर्ड यूज़ करते हैं हम क्रेडिट साइड में बाय एक्सेस अमाउंट ओन डेबिट साइड क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट लिख दिया था डेबिट साइड में अब ये क्या हो गई हमारी एंट्री रेक्टिफाई हो गई एरर एरिट सेल किया हमने ई e को थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड की डेबिटेड रुपीज टू थाउजेंड ई टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब ई e का अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था डेबिट ही किया है बट 3200 के प्लेस पर हमने क्या कर दिया 2300 मींस सेल्स बुक में तो एंट्री ठीक हुई है पोस्टिंग में प्रॉब्लम कहाँ आई ई के अकाउंट में तो हमने ई के अकाउंट का फॉर्मेट बनाया अब तो हम क्या लिखेंगे ई के अकाउंट में क्योंकि अब हम हमने अमाउंट क्या किया कम डाला है तो कम डाला है तो ज्यादा कैसे करेंगे सेम साइड में ही एंट्री करके करेंगे ठीक है ज्यादा तो सेम साइड में एंट्री करके ही करते हैं और जब ज्यादा हो जाता है तो उसे हम अपोजिट साइड में एंट्री करके ठीक करते हैं तो अब कम है तो ज्यादा करना है हमें तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड लिखना चाहिए था हमने लिखा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो नाइन हंड्रेड कम लिखा डिफरेंस निकालेंगे थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो नाइन हंड्रेड कम लिखा है तो नाइन हंड्रेड हम ओ लिख देंगे डेबिट साइड में ठीक है क्यों लिखा हमने टू वर्ड यूज करेंगे क्योंकि डेबिट साइड एंट्री हुई है टू लेसर अमाउंट ऑन द डेबिट साइड क्योंकि हमने डेबिट साइड में नाइन हंड्रेड रुपीज कम लिखे थे कम शो किए थे इसलिए हो गई हमारी एर रेक्टिफाई लास्ट इज अडिट सेल्स टू एफ रूपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रेडिट एज फाइव थाउजेंड ये वन हंड्रेड है फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड 5,100 अब हमने क्रेडिट सेल की एफ़ को 1,500 की लेकिन हमने क्या किया एक तो हमने रॉन्ग साइड एंट्री कर दी क्रेडिट कर दिया और अमाउंट भी कितना लिख दिया 1,500 के प्लेस पर 5,100 लिख दिया तो हमने दो मिस्टेक की है रॉन्ग अमाउंट लिखा है और रॉन्ग साइड लिखा है ठीक है अब इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें देखते हैं तो हमने एफ़ के अकाउंट का फॉर्मेट बनाया ठीक है तो अब क्या करना चाहिए था देखिए हमने सबसे पहली बात तो क्रेडिट कर दिया हमने उसे हमें डेबिट करना चाहिए था ठीक है कितना क्रेडिट कर दिया फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए जो हमने क्रेडिट कर दिया उसको हमें क्या करना होगा करेक्ट करने के लिए डेबिट करना होगा कितना फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज से सेकेंडली उसको हमें डेबिट करना चाहिए था वो तो हमने अभी किया ही नहीं है कितने से होना चाहिए था डेबिट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से तो ये दो बार डेबिट होगा करेक्ट करने के लिए फर्स्ट हमने डेबिट किया था क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने इसको डेबिट किया और एक बार हमें डेबिट करना चाहिए था फिफ्टीन हंड्रेड से उसके लिए हमने डेबिट किया तो टोटल कितने अमाउंट से डेबिट हो गया ये फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे अब डेबिट साइड एफ की वी विल राइट सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लिखेंगे हम डेबिट साइड में एंड वट वी विल राइट वी विल राइट टू एरर इन पोस्टिंग दो मिस्टेक हुई है हमारी विथ रोंग अमाउंट एक तो रोंग अमाउंट लिखा ऑन एक हमने रोंग साइड लिखा ऑन रोंग साइड उसको हमने रेक्टिफाई किया है एफ के डेबिट में सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज लिखकर ठीक है एक बार हम फिर से देखते हैं क्या एरर क्या की थी हमने कि क्रेडिट सेल टू एफ एफ को हमने क्रेडिट सेल की थी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की लेकिन हमने उसको क्रेडिट कर दिया फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड से तो हमने मिस्टेक क्या की कि एक तो उसको डेबिट करना चाहिए था क्रेडिट किया सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी सेकेंड मिस्टेक की हमने फिफ्टीन हंड्रेड लिखना चाहिए था फिफ्टी वन हंड्रेड लिख दिया फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड लिख दिया हमने तो हम क्या करें जो हमने क्रेडिट कर दिया कितना क्रेडिट कर दिया था हमने फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड क्रेडिट कर दिया था उसको ठीक करने के लिए उसको रिवर्स कर दो ठीक है पानी का गिलास हमने गलती से भर दिया किसी ने पानी नहीं मांगा था तुमसे तो, तो उसको खाली कर दो वापस डाल दो पानी जहाँ से लिया था तो हमने इसको खाली किया इसमें हमने क्या कर दिया क्रेडिट का डेबिट कर दिया फ़ाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है लेकिन हमें डेबिट तो फाइव वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से करना चाहिए था वो भी नहीं हुआ अभी तो उसको करने के लिए एक बार फिर से डेबिट करना पड़ेगा 1, तो दो बार तो 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 एरर हुई थी एरर इन पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट रोंग अमाउंट से पोस्टिंग हुई और रॉन्ग साइड में पोस्टिंग तो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन